पीपल, क्या हाल है, क्या हो रहा है। वेलकम टू द चैनल, मैं हूँ हमजा और आप देख रहे हैं सैर सपाटा। हमें आज शेफील्ड में और यहाँ पे घूमेंगे भी, फिरेंगे भी और आपको भी कराएंगे सैर सपाटा। तो चलें, टाइम वेस्ट नहीं करते और शुरू करते हैं आज का व्लॉग। ये है शेफील्ड हैलम यूनिवर्सिटी, यहाँ की मेन जो यूनिवर्सिटी है, बिल्कुल मिडिल में सिटी सेंटर के और काफ़ी रशेस के अराउंड। एक ये बिल्डिंग है, एक वो सामने आपको दिख रही होगी जहाँ डबल डेकर खड़ी हुई है, और एक राइट साइड पे भी इसकी बिल्डिंग है। तो बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं इसकी। हम प्रीटी मच श्योर के ये जो हैं डिफरेंट स्कूल्स हैं इनके। पहले ये बिजनेस स्कूल है, वो इंजीनियरिंग स्कूल है, इस तरह से इन्होंने अलग अलग उसके जो कैंपसेस रखे हुए हैं। ये यूके के अंदर 39 नंबर पर है और काफ़ी हाई रेपुटेशन है इस यूनिवर्सिटी की। और शेफील्ड का मैं आपको साथ में बताता चलूं कि अगर मैं इसका कंपैरिजन करूं लंदन के साथ, तो ये तकरीबन 40-45% चीप सिटी है एज़ कम्पेयर टू लंदन। मकसद ये कि जो घर आपको यहाँ पे 3 बेडरूम का अगर ढूंढ रहे होंगे तो आपको 1000 पाउंड का मिल जाएगा, बहुत हुआ तो 800 से शुरू हो जाएंगे। और वहाँ आपको अंदाज़ा है गुर्दा किडनी देना पड़ता है अपना, तो ये एक मेजर डिफरेंस है। फिर ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे बहुत चीप है, लंदन में आपको अंदाज़ा है कैसा है कल्चर है यहाँ पर। देसी बहुत हैं और बाकी भी आपको जो है वो जेंट्रीज मिल जाएंगी यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा मिक्स माहौल है। शेफील्ड थिएटर्स, और हम बढ़ रहे हैं उसकी तरफ। चलो आगे बढ़ते हैं और आपको आगे दिखाते हैं। जी गाइज, ये जो अब आप अपने सामने देख रहे हैं, ये है विंटर गार्डन। ये हम अंदर आ गए हैं विंटर गार्डन के, और यहाँ पे शॉप्स वगैरह बनी हुई हैं। बड़ा खूबसूरत सा बनाया हुआ उन्होंने, वैसे वैसे कोई नखलिस्तान का सा। गाइस ये है क्रूसिबल, सबसे बड़ा जो दुनिया की चैंपियनशिप, सबसे बड़ी जो स्नूकर चैंपियनशिप होती है वो यहाँ पर होती है। ये इसी तरह जैसे क्रिकेट के लिए लॉर्ड्स। आपके सामने जो है इस वक्त ये सेंट मैरीज कैथीड्रल है। कैथीड्रल और चर्चेस तो आपको हर शहर में ऐसी ही मिलेंगी। ये आपके सामने इस वक्त जो है शेफील्ड टाउन हॉल है। लंदन के अलावा जो है ना, ये फ़ोन बूथ कहीं नज़र नहीं आते, यहाँ पर नज़र आए हैं शेफील्ड में, बड़े ज़मानों के बाद मैंने देखा है। गाइस ये है पीस गार्डन जहाँ पे मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ। अभी मैं आपको इसका पूरा 360 दिखाता हूँ। फाउंटेन भी है बीच में, और ये कहलाता है पीस गार्डन। वाइट फ्लैग्स वगैरह जो लगे हुए हैं ये उसी बात को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये पूरा जो है इसको पीस गार्डन का नाम दिया हुआ है, और काफ़ी हॉटस्पॉट है ये हर दौर में। ऑल इन ऑल किसी भी सिटी सेंटर की तरह शेफील्ड का भी सिटी सेंटर है, कुछ नया और निराला नहीं है। बिल्डिंग्स अगेन वही बहुत खूबसूरत, और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ ये लोग बहुत प्रिजर्व करके रखते हैं अपनी हिस्टोरिक बिल्डिंग्स को, वही यहाँ पे भी सीन है। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से प्रिजर्व किया हुआ है, उसको मेनटेन कर रहे हैं और लोगों के लिए अट्रैक्शन बना रखा है इन सारी बिल्डिंग्स को। ये है शेफील्ड कैथीड्रल, यहाँ का आई थिंक सबसे बड़ा अट्रैक्शन पॉइंट यही है। भाई ये जो कैथीड्रल है ना शेफील्ड की, ये तकरीबन 1100 साल पुरानी कैथीड्रल है। अब देख लें भाई जरा, हमारे पूरे मुल्क से जो है वो आप समझ लें 10 टाइम से भी ज़्यादा।
गलियाँ शलियाँ जो है ना बिल्कुल पेरिस का लुक है इनका, पेरिस जैसी लगती हैं। ठीक है, ये हाउसिंग है पूरी, बहुत पेरिस जैसा जो है ना इसका टच है। ये जी लॉ कोर्ट है, जहाँ पे आने की किसी को ज़रूरत ना पड़े कभी। जी ये था हमारा शेफील्ड का ट्रिप। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं शेफील्ड देखूं। फाइनली आज वो शेफील्ड की मेरी जो ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई। छोटा सा सिटी है बट काफ़ी अच्छा साफ सुथरा मेंटेन किया हुआ है। दो तीन जगहें तो बहुत अच्छी हैं, जैसे पीस गार्डन है, काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है, टाउन हॉल है, बहुत अच्छा एरिया है वो, बहुत ही अच्छा एरिया है वो। उसके अराउंड जो है वो शॉप्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, खाने पीने का भी है सब कुछ, तो इट वाज नाइस। ये है कि प्राइमरली दो चीज़ों में सिटी डिवाइड हुई हुई है, एक तो जो नया स्ट्रक्चर है वो, और दूसरा जो इन्होंने पुरानी बिल्डिंग्स अपनी जो हैं वो प्रिजर्व कर रखी हैं। तो वेरी नाइस, इट वाज नाइस, इट वाज गुड। और मैं अगर आप मुझसे पूछें मैं क्या रेट करूँगा तो आप मुझसे कि मे बी 3 out of 5। एक दफ़ा जाने वाली जगह है, मतलब बार बार जाने वाली चीज़ नहीं है। तो आई होप कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा, शेफील्ड भी पसंद आया होगा, और अगर मज़ा आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, और अगले हफ्ते मेरी आपसे फिर दोबारा एक मुलाकात होगी नए वीडियो में, एक नए व्लॉग में, एक नए शहर में। तब तक अपना बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखिए, और देखते रहिए सैर सपाटा।